हेलो एस्पायरेंट्स, 27 सितंबर की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 9 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज आइटम है, ऑल हेल्प बट नो ट्रूप्स टू अफगानिस्तान। तो इंडिया ने यूएस को क्लियरली बताया है और इन जनरल बता दिया है क्लियरली कि हम अपने सोल्जर्स यूएस इंडिया से अफगानिस्तान नहीं भेजेंगे, यूएस प्रेशर के अंदर भी, क्योंकि यूएस चाहती है कि हम और असिस्टेंस दे, ट्रूप्स भेजे अफगानिस्तान में, पर हम ये नहीं करना चाहते। तो ये क्लियरली बताया गया है, हमने असिस्टेंस दिया है, $3 बिलियन एड दिया है अफगानिस्तान को, इवन सिक्योरिटी असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम वहाँ के मिलिट्री को, वहाँ के सोल्जर्स को और इवन पुलिस फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्लस ऑल्सो हमने यूटिलिटी अटैक हेलीकॉप्टर्स भी उनको प्रोवाइड किया है, हालांकि अफगानिस्तान चाहती है कि हम और वेपन्स एम्यूनेशन इंडिया उनको प्रोवाइड करे, पर हम इसके लिए रिलक्टेंट है। हम मिलिट्री असिस्टेंस लिमिटेड रखना चाहते हैं टू दिस एक्सटेंट, बाकी असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस एक्चुअली ये न्यूज में है, क्योंकि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर जेम्स मैटिस इज ऑन अ विजिट टू इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया का प्रोमिनेंट रोल साउथ ईस्ट एशिया में भी हाईलाइट किया गया इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइनीज प्रेजेंस हियर। तो यहाँ पे भी वो दोनों ने कहा, इंडिया यूएस दोनों ने कहा कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवर फ्लाइट एंड लॉफुल कॉमर्स को सपोर्ट करते हैं इंडियन ओशन में भी और एशिया पैसिफिक रीजन में भी। इसके अलावा मलाबार ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो रिसेंटली कंक्लूड हुई थी उसके बारे में भी मेंशन किया गया कि वो सक्सेसफुल रही और ये प्रोग्रेस जो हो रहा है ऑपरेशनल सिनर्जीज, मतलब नेवीज के बीच में एक्सरसाइज ट्राइलेटरल है, पहले इंडिया यूएस दो नेशंस के बीच में होती थी, अब ये ट्राइलेटरल हो गई है विद जापान ऑल्सो। तो ये नेवल एक्सरसाइज भी एनुअल फीचर है। फिर अगला न्यूज आइटम है, 149 इंडियंस इन शारजा जेल्स फ्रीड अंडर जनरल एमनेस्टी। तो शारजा के जो शेख है, शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी, इन्होंने शारजा के रूलर है, इन्होंने अनाउंस किया है यूएई के जो प्रिजनर्स है शारजा में जेल में, तो ये अराउंड 149 इंडियंस है, काफी केरला से भी है। तो इन्होंने इन प्रिजनर्स ने जिन्होंने 3 साल कंप्लीट कर लिया है जेल में और उनके अगेंस्ट और कोई क्रिमिनल केस नहीं है उनके अगेंस्ट, तो उनको फ्री किया जाएगा अंडर जनरल एमनेस्टी। तो ये अनाउंस किया गया, उनको फिर से इंडिया या अपने होम कंट्री जाने की जरूरत नहीं है, उनको वहीं पे रिहैबिलिटेट किया जाएगा, अच्छे जॉब्स दिए जाएंगे यूएई में। तो ये भी अश्योरेंस दिया गया। तो ये डिटेल्स है रिगार्डिंग इंडियंस इन जेल। तो पेट्टी क्राइम्स के लिए भी यहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्रीज में काफी सारे नेशंस में इंडियंस जेल में है, तो ये डेटा दिया गया है। तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया यूएई टुगेदर ही 46% है इंडियंस यहाँ पे जेल में। बाकी प्राइवेसी लॉज की वजह से यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया और काफी यूरोपियन कंट्रीज के पूरे डिटेल्स नहीं है प्रिजनर इंफॉर्मेशन के। फिर अगला न्यूज आइटम है, सेंटर विल रिलीज 2,800 करोड़ फॉर पुलवरम सेज नायडू। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको अश्योरेंस दिया है कि वो पोलवरम प्रोजेक्ट, जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, कृष्णा और गोदावरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसके लिए उनका उसका टोटल कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है एट ₹54,000 करोड़। तो इसका 2,800 करोड़ फंड रिलीज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, अश्योरेंस मिला है। ऑलरेडी पोलवरम प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया है, तो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा आफ्टर 1 अप्रैल 2014 वो फंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंध्र प्रदेश का जो बाइफोकेशन लॉ है उसके बाद उनको असिस्टेंस देने के लिए प्रोविजंस किए गए हैं, तो ये स्टेप्स लिए गए। इवन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चाहती है कि उनको रेवेन्यू डेफिसिट ब्रिज करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस दे, उनका रेवेन्यू डेफिसिट भी 16,000 करोड़ का, तो इसके लिए भी इसका भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडरेशन कर रही है। तो ये पोलवरम प्रोजेक्ट कई बार न्यूज में आया, हमने पहले भी देखा है, ये आप देख सकते हैं, ये है गोदावरी रिवर और ये कृष्णा रिवर, और ये पोलवरम कनाल बिल्ड किया जाएगा, ये पक्की सीमा है गोदावरी यहाँ से लेके यहाँ पर प्रकाश में। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी कृष्णा रिवर के पास, तो ये गोदावरी रिवर सरप्लस कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इसके कंसर्न्स भी है, ऑफकोर्स इरिगेशन फैसिलिटीज तो मिलेगी लेकिन फिर यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है, यहाँ पे एक्वाटिक लाइफ का अफेक्ट होगा, ये कंसर्न्स है फिशेज वगैरह को। इवन यहाँ पे गोदावरी में सरप्लस है वो भी, अगर यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी वो भी कंसर्न्स रेज किए जाते हैं, फ्लडिंग होगी थोड़े रीजन्स में, तो ये सारे पॉइंट्स भी है। पर फिलहाल इसको नेशनल प्रोजेक्ट
डिक्लेयर किया गया पुलवरम कमाल प्रोजेक्ट। फिर अगला न्यूज आइटम है, त्रिपुरा गवर्नमेंट अप्रूव सेट टू प्रोब जर्नलिस्ट शांतनु भौमिक्स मर्डर। तो त्रिपुरा कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाएगी जो जर्नलिस्ट शांतनु भौमिक 28 ईयर ओल्ड जर्नलिस्ट है जिनकी डेथ हो गई वेस्ट त्रिपुरा, वहीं के वो थे, वो एक लोकल टेलीविजन चैनल के साथ काम करते थे और 20 सितंबर को इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे एक्चुअली उस टाइम पे आईपीएफटी इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषद जो सीपीएम का ट्राइबल विंग है इन दोनों के बीच में क्लैशेस थी, तो क्लैशेस को वो कवर कर रहे थे तो उस टाइम पे उनको पीछे से मारा गया, उठा लिया गया और बाद में उनकी बॉडी मिली विद सीरियस स्टैब इंजरीज। तो ये है, ये जो मर्डर हुआ है उसके बाद काफी फ्योर हुआ है क्योंकि जर्नलिस्ट मर्डर जो हो रहे हैं वो काफी कंसर्न की बात है। रिसेंटली हमने गौरी लंकेश मर्डर केस भी देखा था प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट की, तो ये इनके लिए भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम त्रिपुरा गवर्नमेंट ने बिठाई है। उसके अलावा कंपेंसेशन ऑफ 10 लाख दिया जाएगा इनकी फैमिली को भी। तो ये और एक जर्नलिस्ट मर्डर केस है। फिर अगला न्यूज आइटम है, सेल ऑफ टबैको ओनली थ्रू लाइसेंस शॉप्स। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अब अनाउंस किया है कि नया रेगुलेशन लाया रहे वो कि जिसमें वो चाहते हैं कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स एक मैकेनिज्म डेवलप करें कि उनकी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के थ्रू ये रिटेल आउटलेट्स को परमिशन ऑथराइजेशन दिया जाए टोबैको प्रोडक्ट सेल करने के लिए। मतलब जिन शॉप्स के पास ये ऑथराइजेशन होगा वही सेल कर पाएंगे और सिर्फ उन्हीं शॉप्स को ये परमिशन दी जाएगी जो और कोई नॉन टोबैको प्रोडक्ट सेल ना करे। मीन्स जैसे लिकर शॉप्स होते हैं वहां पे सिर्फ लिकर मिलता है और कोई प्रोडक्ट नहीं, तो वैसे ही टोबैको शॉप्स में भी सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट मिलेंगे और कोई नॉन टोबैको प्रोडक्ट जैसे बिस्किट्स, टॉफी, चिप्स ये सब ना मिले क्योंकि नॉन टोबैको यूजर स्पेशली चिल्ड्रन जो यहाँ जाते हैं तो वो फिर इस टोबैको प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये एक फैक्ट है कि टोबैको इंडस्ट्री यूथ और चिल्ड्रन को टारगेट करते हैं क्योंकि वो उनका फ्यूचर कंज्यूमर बेस होगा। तो ये इलीगल भी है अंडर कॉप्टा एक्ट 2003, माइनर्स को सेल नहीं किया जा सकता, तो ये एनफोर्स करने के लिए ये प्रोविजन लाया जा रहा है। तो कॉप्टा एक्ट के भी जो मेजर प्रोविजंस है ये मेंशन्ड है। तो ये टोबैको एंड अदर सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन एक्ट, तो ये प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग है पब्लिक प्लेसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टीजमेंट स्पॉन्सरशिप नहीं किए जा सकते, प्रमोशन नहीं किया जा सकता टोबैको प्रोडक्ट्स का, माइनर्स को सेल नहीं किया जा सकता, इवन विद इन 100 मीटर रेडियस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी टोबैको प्रोडक्ट सेल नहीं किए जा सकते, पिक्टोरल हेल्थ वार्निंग डिस्प्ले ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स ये कंपल्सरी है, इवन टार और निकोटीन कंटेंट्स टोबैको प्रोडक्ट्स में रेगुलेट किए जाते हैं। ये सारे कॉप्टा एक्ट के प्रोविजन है, कॉटपा एक्ट। फिर अगला न्यूज आइटम है, BSF pushes back Rohingya from Tripura। तो ये जो इंसिडेंट अभी न्यूज में आया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 4 रोहिंग्या मुस्लिम्स को त्रिपुरा के पास जो बांग्लादेश त्रिपुरा बॉर्डर है वहां से उनको वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको पीछे भेजा गया। तो ये पहला इंस्टेंस है जब से होम मिनिस्ट्री ने सर्कुलर दिया है ऑगस्ट 19 को कि जो भी रोहिंग्या इंडिया में आएगी उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। तो ये BSF ने ऑलरेडी 75 वल्नरेबल लोकेशंस आइडेंटिफाई किए त्रिपुरा बॉर्डर पे और यहाँ पे अब स्टेप्स लिए गए। इवन असम मणिपुर गवर्नमेंट्स ने भी स्टेट पुलिस BSF को कहा है कि रोहिंग्यास को पुश बैक किया जाए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनको अलाउ नहीं किया जाएगा कंट्री में। और जब क्वेश्चन किया गया कि कैसे पता चलता है ये रोहिंग्या मुस्लिम है, तो यहाँ पे BSF ऑफिशियल कहते हैं कि ये बंगाली डायलेक्ट जो बात करते वो इंडिया और बांग्लादेश की जो बंगाली लैंग्वेज है उससे अलग होती है, तो उससे डायलेक्ट से उनका इजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं रोहिंग्यास। ये ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री ने भी एक कमेटी बिठाई है कि कैसे ये रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो इंडिया में एंट्री है वो कब किया जाए, और स्पेशली वो चाहते हैं कि फ्री मूवमेंट अलॉन्ग म्यांमार बॉर्डर मिसयूज किया जाता है उसको कैसे स्टॉप किया जाए। तो ये मैप दिया गया, ये है रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार जहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं और यहाँ से वो बाहर जा रहे एक्सोडस हो रहा है जो, तो ये रेफ्यूजीज आ रहे हैं, ये कॉक्स बाजार रीजन है बांग्लादेश का, यहाँ से वो फिर इंडिया में घुसते इन वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड इवन मणिपुर। फिर अगला न्यूज आइटम है, सेंटर बैक्स लोकल साइबर सिक्योरिटी टेक।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया है कि वो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे ताकि फॉरेन एंटिटीज को ये नहीं दिया जाए ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट जो होते फॉर साइबर सिक्योरिटी पर्पसेस एंटीवायरस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस तो ये सारे डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस दिया जाएगा और फॉरेन एंटिटीज को नहीं क्योंकि ये कंसर्न है कि इनके थ्रू डेटा लीक होता है थर्ड कंट्रीज को अदर कंट्रीज को तो वो बाहर की कंट्रीज को ये लीक ना हो इसके लिए ये डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा तो ये जो है लोकल सप्लायर जो है उसको डिफाइन किया गया है इसके अंदर नोटिफिकेशन में तो ये मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तो इनको प्रमोट किया जाए सारी चीजों के लिए साइबर सिक्योरिटी जैसे एंटीवायरस वेब सिक्योरिटी इवन क्लाउड सर्विसेज वगैरह के लिए इवन इंटेलिजेंस एजेंसी जब ये प्रोक्योरमेंट करते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स तो डोमेस्टिक सप्लायर्स को लोकल सप्लायर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा ये कंसर्न है कि अगर इंडियन कंपनीज गलत करती भी है तो उनको इंडियन लॉ के अंदर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकता है और प्रोबेबिलिटी यही है कि वो इंडिया की सोवरेनिटी अगेंस्ट के अगेंस्ट नहीं फंक्शन करेगी और फॉरेन प्लेयर्स के थ्रू बैकडोर से डेटा बाहर लीक हो रहा है ये कंसर्न है इसलिए तो लोकल सप्लायर भी डिफाइन किया गया है कि वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में और वो रेवेन्यू उनका जो आता है प्रोडक्ट से वो इंडिया में आता है वो कंपनी को जाता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस भी उनका इंडिया में ही उसका रेवेन्यू भी उनको इंडिया में ही मिलता है वो कंपनी को ही फिर अगला न्यूज आइटम है कमिटी टू रिव्यू पॉलिसी हर्डल्स सुरेश प्रभु तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब एक अनाउंस किया कि वो एक रेगुलेटरी रिव्यू कमेटी बैठाएंगे जो पॉलिसी रिलेटेड रोड ब्लॉक्स को एड्रेस करेगी कि जो रोड ब्लॉक्स है बाकी फैक्टर्स है जिसकी वजह से कंट्री का इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो रहा है उसके अंदर अफेक्ट हो रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अफेक्ट हो रहा है तो ये सब रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो जरूरी है कि फास्ट ट्रैक हो डिसीजन ऑन डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए इवन सेंट्रल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन आर्म जो है इन्वेस्ट इंडिया उसके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा इवन इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में वो उनकी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी अराउंड 26% का सिर्फ 74% ही यूटिलाइज होता है तो ये यूटिलाइज हो कम्प्लीटली इसके लिए डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज की जाएगी इवन उनके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जाए ताकि वो कम्प्लीटली यूटिलाइज होंगी पूरी कैपेसिटी और भी कंसर्न है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने भी अपने रिकमेंडेशन सामने रखे वो चाहते हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन टारगेट्स को रिलैक्स किया जाए थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करे जैसे वो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वगैरह में इंक्रीज की जाए स्पेंडिंग GST के रिलेटेड वो चाहते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को और टाइम दिया जाए GST नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए इवन वो चाहते हैं सिंप्लीफाइड नेटवर्क हो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्योंकि हम देख रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी स्पेशली एक्सपोर्टर्स के काफी कंसर्न्स है इवन और एक रिकमेंडेशन है CII का कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हो सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए और फाइनली वो चाहते हैं कि स्टेबल और कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी रेजिम ट्रांजिशन हो बार बार जो चेंजेस होते हैं पॉलिसी में वो डिफिकल्ट होते हैं एडुकेट लीड टाइम और सर्टेनिटी होनी चाहिए ताकि इजिली बिजनेस हो सके ये. फिर लास्ट न्यूज आइटम है गवर्नमेंट फॉर्म्स कमिटी फॉर 5G रोल आउट बाय 2020 तो गवर्नमेंट चाहती है कि 5G टेक्नोलॉजी जब रोल आउट हो तो तब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बिठाए जाएंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तो उसके अंदर इंडियन पार्टिसिपेशन भी हो ये इंडिया का ऑब्जेक्टिव है इसलिए वो चाहते हैं ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है जो फाइनलाइज करेगी 5G स्टैंडर्ड्स तो 3G और 4G के टाइम पे तो इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी पर अब हम चाहते हैं कि ये पार्टिसिपेशन हो ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स फॉर्म करने में हमारा भी पार्टिसिपेशन हो तो इसलिए एक फोरम बनाया गया ऑफ सेक्रेटरीज फ्रॉम कम्युनिकेशन IT साइंस एंड टेक मिनिस्ट्रीज तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्री के एकेडमिक से वो सब मिलके यहाँ पे एंश्योर करेंगे तो ये स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्टेड है कि बाय 2020 ये फाइनलाइज किया जाएगा इवन सपोर्ट फंड बनाया गया 500 करोड़ टू फैसिलिटेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर 5G 5G की एक्सपेक्टेड स्पीड है अराउंड 10 Gbps इन अर्बन एरियाज एंड 1 Gbps इन रूरल एरियाज इवन इसके लिए डोमेस्टिक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट किया जाएगा ताकि यहाँ पे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी हो लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी इंडियन मार्केट एटलीस्ट 50% तक कैप्चर कर पाए और ग्लोबल मार्केट में भी एटलीस्ट 10% शेयर हो उनका इन नेक्स्ट 5 to 7 years तो इसको भी बूस्ट दिया जाएगा
और ये सारे जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है वो दिखाए गए हैं। तो 1G जो था बेसिक वॉइस सर्विसेज, कॉर्डलेस फोन थे, एनालॉग सर्विसेज थे वो। फिर 2G आया, डिजिटल सर्विसेज, वॉइस बेसिकली था प्राइमरीली फॉर वॉइस कॉल्स। तो ये डिजिटल स्टैंडर्ड्स GSM CDMA यूज किए जाते थे। फिर 3G आया इन द 21st सेंचुरी, 2 Mbps स्पीड पे। फिर फर्स्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड यूटिलाइजिंग IP प्रोटोकॉल्स यूज किए गए यहाँ पे। फिर 4G में स्पीड इंक्रीज भी अप टू 100 Mbps, ट्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड लाया गया ऑन यूनिफाइड स्टैंडर्ड LTE। और फाइनली अब 5G आएगा जो टेक्टाइल इंटरनेट प्रोवाइड करेगा विद सर्विस अवेयर डिवाइसेस एंड फाइबर लाइक स्पीड अप टू 10 Gbps। सो इट्स एक्सपेक्टेड बाय 2020 टू बी फाइनलाइज्ड। तो इसके काफी सारे एप्लीकेशन है, थोड़े बताए गए यहाँ पे, जैसे क्लाउड बेस्ड सिस्टम, तो सारा कुछ इंटरकनेक्टेड हो तो आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट स्ट्रीम कर सकते हैं, म्यूजिक वगैरह, इवन नेविगेशन डेटा, ट्रैफिक कंडीशंस, ड्राइवरलेस कार्स को भी स्ट्रीम किया जा सकते हैं। डाउनलोड टाइम इवन HD मूवीज के लिए फ्यू सेकेंड्स होगी रादर देन मिनट्स। इवन 5G स्पीड से पोटेंशियल है कि अगर टेलीकॉन्फ्रेंस चल रहा है तो उसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी साइमल्टेनियसली लैंग्वेज ट्रांसलेशन होके लोग अटेंड कर सके कॉन्फ्रेंस में, तो काफी हाई स्पीड और कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी। तो यही है न्यूज आइटम्स, थैंक यू।